नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की जो संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 3, उसका हम मंगलाचरण जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस मंगलाचरण में किस चीज के बारे में हमें बताया गया है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, मंगलम का मतलब होता है मंगल कामना के लिए कोई कार्य करना या मंगल कार्य को करना। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी कार्य जब शुभारंभ करते हैं तो उससे मंगल की कामना करते हैं, ईश्वर से मंगल कार्य की कामना को हम करते हैं। ठीक है, आइए। यज जागृत हो दूर मुदेति देवम तदुषुप्तस्य तथेवेति दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यानी कि यत् जाग्रत, जाग्रत यानी जाग्रत रहना, दूर मुदत यानी दूर दूर तक, है ना, देव यानी देव, यानी कि जो मनुष्य यत् जाग्रतो, यानी कि जो मनुष्य जाग्रत रहता है और क्या करता है, वो जो मनुष्य जागृत रहता है वो कहाँ क्या करता है, दूर दूर मुदिति देवम, दूर दूर तक चला जाता है। तदुषुप्तस्य तथेवेति, और सुप्तस्य ने सोया हुआ, और इसी प्रकार सोया हुआ रहकर भी ऐसे ही क्या करता है, तथा तथेवेति, जो मनुष्य सोया हुआ रह करके क्या करता है, जाकर के भी क्या करता है, वापस आ जाता है। हमारे प्रस्तुत श्लोक में क्या आ गया है कि जो मनुष्य जो मतलब जीव जागृत रहता है या जो मतलब इस संसार में जागृत रहता है वो दूर दूर तक जाता है, और जो सोया हुआ रह करके सोया हुआ रहता है वो मतलब जा करके भी वह वापस आ जाता है। ठीक है, दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, यानी कि दूर दूर, दूरंगम में दूर दूर, ज्योतिषाम यानी कि ज्योतिष की ज्योति, ज्योति यानी ज्योतिष निधान, है ना। तो वह क्या करता है कि दूर दूर वह जाने वाला सब तेजो ज्योति यानी तेज, यानी कि ज्योति यानी तेज की ज्योति, दूर 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 पर जाने वाला सब तेजों का क्या है, ज्योति का निदान है। ठीक है ना, सब तेजों का क्या है, ज्योति का निदान है। तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु, ठीक है ना। तो तभी जो मेरा जो मन है, तन में मनः, वह मेरा मन जो है वो शिव संकल्प के लिए सदा समन्वित शुभ संकल्पों के लिए, शुभ कार्यों के लिए हमेशा क्या करे, महान रहे। ठीक है दोस्तों, हमारा इस जो पद्यांश में इस जो श्लोक जो है उसमें हमें बताया गया है कि जो जागा हुआ जागृत रह करके भी दूर दूर तक चला जाता है और सोया हुआ जा करके भी वापस आ जाता है, लेकिन जो ज्योति है तेज की, दूर जाने वाले की जो तेज की जो ज्योति है वो हमेशा ही जलती रहती है, वो सब तेजों से सब जो ज्योतियों से जो है वो निधान होता है, और मेरा मन जो है वो हमेशा ही सत्य की और शुभ संकल्पों को मेरा मन जो है वो हमेशा ही महान रहे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, सुसारथि ऋषवाशिनव इन मुन्मश्यः नैनीयते अस्भिः सुभिर्वाजिनः इव। यानी कि सुसा जो जन जन को बागडोर से इधर उधर ले जाता है, नैनीयते अभी शुभ वर्जिनः इव, और जो चतुर जो सारथी है वो जो ही घोड़ों को इच्छित चाल चढ़ाता है उसी प्रकार से जो है सु
सार थिर स्वामी, जो मनुष्य मतलब जो मनुष्य जो होता है वो जन जन की यानी कि सभी लोगों की बागडोर से इधर उधर ले जाता है, उसी प्रकार नैनी यति अभी सुभिर वाजिन एवं, उसी प्रकार से जो चतुर जो सारथी होता है वो क्या करता है, जो ही घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, चाल चलाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए, हत प्रष्टितम यजिरम जविष्ठम तनमे मनः शिव संकल्पस्तु। और हत प्रतिष्ठम यानी सदा जो प्रतिष्ठित जो है वो हृदय देश में जो है वो अजर यजिरम अजर और जविष्ठ यानी अतिशय गतिमान है वो तन में, यानी कि वह मेरा मन हमेशा जो है वो शुभ संकल्पों में भी सचा जो है समन्वित शुभ संकल्प से मेरा मन जो है वो क्या हो, महान हो। यानी कि इस हमारे पद्यांश में इस श्लोक में बताया गया है कि जो चतुर मनुष्य जो होते हैं वो जन जन की यानी कि प्रत्येक लोगों की बागडोर से इधर उधर ले जाते हैं, और चतुर जो सारथी होता है घोड़े का जो चलाने वाला होता है वो अपनी मतलब चतुरता से उस घोड़े की बागडोर को जिधर उसकी इच्छा होती है उधर ही उसको लेकर के चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा इसके बारे में बताया गया है। और सदा ही जो प्रतिष्ठित और गतिमान जो लोग होते हैं वो हमेशा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और सदा समन्वित होकर के शुभ संकल्प से युक्त होकर के यह वह मेरा मन जो है वो हमेशा ही महान बने, हमेशा ही महानता को प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, आज इसमें हमने जो है कक्षा 8 के जो है वो मंगलाचरण को पढ़ लिया है। अगली कक्षाओं में हम दोस्तों अन्य जो अध्याय हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।